Hello friends, good morning, Sat Sri Akal, whatever you connected with. This is Sanjay Sinha, Gurukul ki online classes mein aap sabon ka bahut bahut swagat karte hain. Chhatgan, jaisa ki aap sabon ko hum logon ne kal hi bataya tha ki aaj se aapki padhai shuru ho jayegi, aaj se hum sab apni padhai shuru karenge. To aaiye, aapka bahut bahut swagat karte hain aur ye ummeed karte hain कि आज से पढ़ी गई तमाम चीज़ों को आप बखूबी अपने घरों में मेहनत करेंगे और हमारे साथ आप भी कनेक्टेड होंगे छात्रगण, और उम्मीद करते हैं कि तमाम बताए दिए गए प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल करेंगे और उस पर फोकस करेंगे. और एक एक चैप्टर, मैं कई बार कह दूं छात्रगण, एक एक चैप्टर को हम सब बहुत बारीकी से समझेंगे और उस पर फिर को रिलेटेड हम सब आपको टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन पेपर दे देंगे. आप उसको हल करके मेरे पर्सनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसके बाद आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा. सो वेरी वेरी मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. आइए स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज वी हैव द फर्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैलेंडर. टॉपिक दैट इज कैलेंडर. देखिए पूरी कहानी क्या है, कैलेंडर की पूरी कहानी क्या है और किस प्रकार के प्रश्न कैलेंडर से पूछे जाते हैं. यह आपको मानना चाहिए कि पूरी कैलेंडर से जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन 2 to 3 questions. This is one of the most important chapter as far as the concern of the SSC and railway examination. So dear friends, be concentrate. आप अच्छी तरह से concentrate हो और बहुत अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करें. कैलेंडर जैसे चैप्टरों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में रखने के पीछे इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में दुरस्थ चीजों को ज्ञात करने का, किसी ऊंची चीज की सोच डेवलप करने का कितना क्षमता उस बच्चे में, इसका आकलन विभिन्न बोर्ड किया करते हैं कि आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपके पैरामीटर्स क्या होंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के पैरामीटर्स आपके पास में क्या हैं. तो इन चीजों के लिए कैलेंडर जैसे सब्जेक्ट का प्रतियोगिता परीक्षाओं में रखा गया है, उसी उद्देश्य से आज आपकी पहली चैप्टर लेशन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं छात्रगण. कैलेंडर, दिस इज द टॉपिक कैलेंडर एंड लेशन नंबर 1. सो वी हैव द लेशन नंबर 1 इन द टॉपिक कैलेंडर. आइए सबसे पहले इसमें पूछे गए प्रश्नों की बातें करते हैं. क्वेश्चंस रिलेटेड एरिया. नंबर 1, कहां से प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं कैलेंडर में. नंबर 1, फाइंडिंग डे इन अ गिवन मंथ. किसी एक मंथ में, किसी एक महीने में दिए गए दिन को ज्ञात करना. नंबर 2, फाइंडिंग एनी डे इन ए होल ईयर. नंबर 3, फाइंडिंग any day in long year. Finding any day in long year. Number 4, finding calendar respect. इन चार पहलुओं को विभिन्न टॉपिक पे बांट करके Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 पूरे कैलेंडर में छात्रगण आप सबों को चार टाइप पढ़ाया जाएंगे. एक एक लेसन वाइज
इन चार टाइपों के सहारे आपको पूरे कैलेंडर के एक एक प्रश्न हल करवाए जाएंगे, और जैसे ही ये पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी, आपको यकीन दिलाता हूँ कि एग्जामिनेशन पे आपके ऐसे एक भी प्रश्न नहीं होंगे जो आपके छूट जाएंगे छात्रगण। इसलिए बहुत बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आइए, आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम टॉपिकों को आप सबों ने लिख लिया होगा। अब आइए आज इसके बेसिक कंसेप्ट की बातें करते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट्स, सबसे पहले पूरे कैलेंडर के टॉपिक में हम सब अपने वर्षों को जानने का प्रयास करेंगे, ईयर को जानने का प्रयास करेंगे। सो ईयर, आप सबों को अच्छी तरह से पता है छात्रगण, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ईयर नंबर पहला ऑर्डिनरी ईयर, और नंबर दो लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर इट इज साधारण वर्ष, और लीप ईयर अर्थात अधिवर्ष। सो वी हैव द टू ईयर, दो प्रकार का साल होता है। एक साल को कहते हैं साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरे को कहते हैं लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। हम यह कैसे समझें कि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? इट्स वेरी सिंपल। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन ईयर इज इट द लीप ईयर और इज इट द ऑर्डिनरी ईयर। जस्ट वी डू नथिंग, हमें कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है उसे आप देख लीजिए। साधारण वर्षों में जो भी वर्ष दिया रहे साधारण वर्षों में आपको उस दिए गए वर्षों को 4 से डिवाइड करना है, 4 से। बट इन द केस ऑफ द सेंटेनरी ईयर आपको 400 से डिवाइड करना है। सेंटेनरी ईयर का मतलब क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं छात्रगण। वैसे ईयर जो 100 सालों के बाद होता है, दैट इज सेंटेनरी ईयर। 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, these all are the centenary year. So let's see how to find ordinary year. Ordinary year, दिए गए वर्षों में 4 से दिए गए वर्षों में 4 से डिवाइड करें, दिए गए वर्षों में 4 से डिवाइड करें, जबकि सेंटेनरी ईयर के केस में, जबकि सेंटेनरी ईयर के केस में 400 से डिवाइड करेंगे। ओके, कोई भी वर्ष दिया रहे उस वर्ष में हम चाहे तो 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इन द केस ऑफ ए सेंटेनरी ईयर, यदि ये सेंटेनरी ईयर है तो उसे हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से। लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। 1913, ये वन ऑफ द एग्जांपल, वी विल जस्ट डिवाइड इट बाय द 4, 4 जा 16, 3 1, 4 7 जा 20, 3 4 8 जा 32। वी सी, यदि दिया गया वर्ष पूरा पूरा ना कटे तो वैसे वर्ष साधारण वर्ष होते हैं, वैसे वर्ष को ऑर्डिनरी ईयर कहा जाता है। बट छात्रगण, एक बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे कि इन दिए गए वर्षों में आपको कब 4 से डिवाइड करना है, कब 400 से डिवाइड करना है।
सपोज कीजिए इफ द गिवन ईयर इज 1900, आपको दिया गया साल 1900 है, आप इस वर्ष को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फुल्ली डिविजिबल होगा, और जब ये फुल्ली डिविजिबल होगा तो ये लीप ईयर होगा। इस केस में आपको डिवाइड करना है कितना से, 400 से। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि जस्ट आपको अभी हमने बताया कि इन द केस ऑफ ए सेंटेनरी ईयर, सेंटेनरी ईयर किसको कहा जाता है, लास्ट में सिंपल 00 रहेगा, दैट इज सेंटेनरी ईयर। तो ये सेंटेनरी ईयर को आपको डिवाइड करना है 400 से, और आप देख पा रहे हैं कि 1900 जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं है। अतः ये तय हुआ कि 1900 इज आल्सो एन ऑर्डिनरी ईयर। कोई दिक्कत? छात्रगण अच्छी तरह से एकदम समझ जाइए कि पूरे ईयर दो वर्ष दो होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा लीप ईयर। साधारण वर्ष की पहचान आप कैसे करेंगे, तो दिए गए वर्षों में 4 से डिवाइड करेंगे, जबकि सेंटेनरी ईयर के केस में 400 से डिवाइड करेंगे। दोनों स्थितियों में जब ये डिविजिबल नहीं होता है तो हम कहेंगे कि दिया गया ईयर, दिया गया समय जो है वो आपका ऑर्डिनरी ईयर हुआ। कोई दिक्कत? क्लियर? कहीं कोई इश्यूज? कोई इशू नहीं है। यू कैन सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। सो एग्जाम्पल 1901, 1905, 1907, 1913, these all are the ordinary year, 1900, these all are the 1806, these all are the ordinary year। तो अभी तक के क्लास में छात्रगण आप ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष अर्थात ऑर्डिनरी ईयर किसे कहा जाता है। आइए इसके कुछ और बेसिक कंसेप्ट को लेने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आप सब क्लास को बहुत बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास है तो क्या हुआ, हम सब घर बैठे भी ऑफलाइन क्लास की जैसा ही ऑनलाइन क्लासेस का मजा ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं और ऑर्डिनरी ईयर की ओर बढ़ते हैं। सभी पढ़ रहे हैं ना अच्छी तरह से घर में? जी, एक एक साथ और कॉपी पेन लेकर के एकदम बैठिए। जो कुछ भी हम सब बोर्ड में लिख रहे हैं उसको अपने साथ ही साथ कॉपी पेन पे आपको लिखते हुए चला जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे किसी ऑनलाइन क्लासेस में आपको नोट्स नहीं लिखाया जा रहा होगा, लेकिन हम सब आपको साथ ही साथ नोट्स लिखाएंगे, बेसिक कंसेप्ट देंगे और फिर प्रश्नों का हल करवाएंगे। एक एक बेसिक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा छात्रगण। आइए साधारण वर्षों के जब हम दूसरे कंसेप्ट पे जाते हैं तो आप देख पाएंगे क्या कि साधारण वर्षों में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है। एग्जाम्पल आपने देखा कि साधारण वर्षों में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है। एग्जाम्पल यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। So this is the scene, dear friends. In the case of an ordinary year, if साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार है तो 31 दिसंबर, this is the first day and this is the last day. ये दोनों दिन आपका क्या होगा? You can see that is the Sunday.
So this is one of the big concept, dear friends. You must remember all this concept, otherwise you will lose something. जब हम सब प्रश्नों के निर्माण करना शुरू करेंगे, जब हम सब प्रश्न बनाना शुरू करेंगे, और यदि इन प्रश्नों की जानकारी आपको कंसेप्ट की जानकारी नहीं होगी, तो कहीं कहीं ऐसे प्रश्न को आप गलत कर जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिए। तो यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार है, तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। सो हियर इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरे साथ सारे नोट्स को जल्दी जल्दी कॉपी कर रहे होंगे, सो दैट कि आप इसे फिर भूल ना जाएं। हालांकि आपके पास ये लॉगिन आईडी पे रिकॉर्डेड भी रहेगा, जब कभी भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन नोट्स बना के रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कॉपियों पे नोट्स बनाते रहेंगे। तीसरे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे हम सब आएंगे, और वो तीसरा बेसिक कंसेप्ट होगा आपके पास में कि साधारण वर्षों में जो फरवरी होता है, फरवरी का महीना होता है, वो 28 दिनों का होता है। ये श्योर है। साधारण वर्षों में फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। फरवरी का महीना 28 दिनों का। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि साधारण वर्षों में फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। बस इतनी सी छोटी सी बातें। आप पूरे कैलेंडर के दौरान ये देखेंगे छात्रगण कि कौन कहता है कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, मैं ला करके गुजरा हुआ वक्त को वापस खड़ा कर दूंगा इस कैलेंडर के रिस्पेक्ट में। आप जान पाएंगे कि किसी एक वर्ष में खरीदा गया कैलेंडर किन अन्य वर्षों में प्रयोग किए जा सकेंगे छात्रगण। इसलिए घर में जो आप कैलेंडर खरीदते हैं किसी भी ऑथर का, किसी भी पंडित का, उसे संभाल के रखिए, वो कई अन्य वर्षों में भी प्रयोग किए जा सकेंगे। हाँ, त्यौहार उसमें डिफरेंट हो जाएंगे छात्रगण। आइए देखते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हो गया। साधारण वर्ष के इस तीन बेसिक कंसेप्ट के सहारे आप सब किसी भी प्रश्न को हल कर पाने में कामयाब होंगे। अब देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि साधारण वर्षों में फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है, आपको ये पता चल गया कि साधारण वर्षों में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है, तो यदि आपसे हम पूछे कि यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, आंसर विल बी रविवार। क्योंकि आप देख लिए कि साधारण वर्ष है, और आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होता है, समान होता है। तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय जस्ट क्लिकिंग वन रूल्स। सो हियर इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन, अभी तक जितना पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? इट्स इजी। 1 जनवरी ईयर आपका कैसा है, कौन सा ईयर है? कमाल, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर। वेरी गुड, ये ऑर्डिनरी ईयर है। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ऑर्डिनरी ईयर में साधारण वर्षों में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है। अतः 31 दिसंबर 2003 को भी कौन सा दिन हो जाएगा? सो आंसर इज मंगलवार। ओके, कोई दिक्कत? नो सर, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं छात्रगण कि एक छोटे से कंसेप्ट के सहारे आप एक वर्ष के अंदर दिन निकाल पाने में कामयाब हो गए। एक बेसिक सा कंसेप्ट के सहारे आप इसमें बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं छात्रगण। तो ये रहा आपका ऑर्डिनरी ईयर का कंसेप्ट। आइए अब आपको लेके चलेंगे लीप ईयर के कंसेप्ट के पास में, और आपको जानकारी देंगे कि लीप ईयर का कंसेप्ट कैसे लिया जाता है।
In the case of a year, we are in the position of a leap year. Leap year. In the case of a leap year, सबसे पहले identification. हम कैसे पकड़ें कि दिया गया वर्ष अधिवर्ष है, लीप वर्ष है? आइए उसे पकड़ने का एक तरीका बताते हैं. कुछ नहीं, जो साधारण ईयर का था वही सेम टू सेम काम हम लोग अपना करेंगे. कंसेप्ट, दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्षों में चार या 400 से, चार या 400 से डिवाइड करेंगे. आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि 400 से डिवाइड हमें कहां करना है, कहां हमें 400 से करना है, सेंटेनरी ईयर के केस में. ये कभी ना भूलिएगा. ऐसा नहीं कि कोई भी ईयर दिया हुआ है और उसे 400 से डिवाइड कर रहे हैं. नो, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस. आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्षों में 400 से डिवाइड करना है जो सेंटेनरी ईयर होगा. तो दिए गए वर्षों में 4 या 400 से डिवाइड करेंगे. यदि वह वर्ष, यदि दिया गया वर्ष, यदि दिया गया वर्ष पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वैसे वर्ष, तो वैसे वर्ष अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वैसे वर्ष लीप ईयर कहलाते हैं. तो वैसे वर्ष लीप ईयर कहलाते हैं. उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे क्लास करने के साथ साथ, और सब कुछ को जो है वो आप साथ ही साथ लिखते हुए चल रहे होंगे. तो दिए गए वर्षों में चार या 400 से डिवाइड करेंगे. यदि दिया गया वर्ष पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वर्ष, तो वैसे वर्ष लीप ईयर कहलाते हैं. एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मुझे चेक करना है कोई भी ईयर को. हम चेक करेंगे 1800. नाउ दिस इज द सेंटेनरी ईयर. 1800 कैसा साल है? सेंटेनरी ईयर. क्यों सेंटेनरी ईयर है? लास्ट में डबल जीरो. कितना से डिवाइड करेंगे? 4 या 400 से? कितना से? 400 से. वेरी गुड. क्यों 400 से? क्योंकि ये सेंटेनरी ईयर है. जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो छात्रगण आप जवाब दीजिए, क्या ये 400 से डिवाइड होगा? कमन 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 कमन, क्या ये 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. अतः दिया गया वर्ष लीप ईयर नहीं होगा. इन द केस ऑफ ए 1912, बताइए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से या 400 से? आप बताइए, 4 से कि 400 से? गड़बड़ाइए नहीं, 4 से. या दैट्स गुड, बिकॉज दिस इज नॉट द सेंटेनरी ईयर. ये सेंटेनरी ईयर नहीं है. हमको डिवाइड कितना से करना होगा? 4 से. लेट्स डिवाइड विद द 4. 4 4 जा 16, 9 में 6 गया 3, 1, 4 7 जा 28, 11 में 8 गया 3, 2, 4 8 जा 32. पूरा का पूरा डिवाइड हो गया. अतः ये कहा जाएगा कि दिया गया वर्ष लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा. दिया गया वर्ष साधारण वर्ष नहीं होगा. इट्स वेरी वेरी इजी. यू कैन से माय डियर फ्रेंड्स कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन ईयर इज एन ऑर्डिनरी ईयर और इज इट द लीप ईयर. उम्मीद करते हैं छात्रगण कि 4 और 400 के डिवाइड के फलस्वरूप आपने बहुत बहुत बारीकी से साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर करना सीख लिया होगा. और अब आपका एक क्वेश्चन यहां से रेडी हो जाता है कि परीक्षाओं में दिए गए वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कौन कौन सा साधारण वर्ष होगा, कौन कौन सा लीप वर्ष होगा, आप ये इजिली फाइंड कर सकते हैं. तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कंसेप्ट के बाद में थोड़े से लीप वर्ष का और एक दो कंसेप्ट है, वो जल्दी जल्दी आप सब राइट डाउन कर लीजिए. देखिए, किसी भी चैप्टर का छात्रगण सबसे पहले उसका कंसेप्ट होता है.
पहले कंसेप्ट अगर अच्छा होता है, कहा जाता है कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आप लैबोरेटरी में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमेशा जाइए कि प्रैक्टिकल के पहले आपके थ्योरी पे कमांड होनी चाहिए। यदि आप थ्योरी अच्छा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके प्रैक्टिकल पे भी अच्छे कमांड हो जाएंगे। सो अनदर कंसेप्ट ऑफ द लीप ईयर, कंसेप्ट नंबर 2 इन द केस ऑफ ए लीप ईयर। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा? बिल्कुल, फरवरी 29 दिनों का होगा। फरवरी 29 दिनों का होगा। हमेशा याद रखे छात्रगण कि लीप ईयर में, अधिवर्ष में, फरवरी 29 दिनों का होता है, 29 दिनों का होगा। कंसेप्ट नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? कंसेप्ट थ्री हम लोग क्या लेकर के चलेंगे? लीप ईयर में याद रखिएगा, साधारण वर्षों में आपने याद रखा कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है, लेकिन यहां पर वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान नहीं होगा। क्यों समान नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर फरवरी मेरा 29 दिनों का हो जाता है। चूंकि जब फरवरी में साधारण वर्षों में 28 दिन होते हैं, लीप वर्षों के केस में एक दिन बढ़ जाता है, यह तय हुआ कि अंतिम दिन भी एक दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कंसेप्ट नंबर 3 याद रखेंगे छात्रगण कि लीप वर्षों में वर्ष के पहले दिन की तुलना में वर्ष के पहले दिन की तुलना में वर्ष के पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन वर्ष के पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्षों में वर्ष के पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। और एक दिन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि फरवरी कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। आइए एक एग्जांपल के सहारे इसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। यदि 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है, यदि 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? इजली जल्दी से एकदम पहले ये दिए गए ईयर की पहचान कर लीजिए। दिया गया ईयर मेरा 2000 है, अर्थात ये लीप वर्ष है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लीप वर्ष का पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन कितना दिन बढ़ जाता है? आप बताइए कितना दिन बढ़ जाता है? एक दिन। दैट्स वेरी गुड। यदि 1 जनवरी 2000 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो जब यहां गुरुवार है तो आंसर इज शुक्रवार। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रगण, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसे सीखने का प्रयास किया है। तो अभी तक के क्लास में हम सब साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बखूबी पहचान सीखे हैं। साथ ही साथ हम सबों ने यह सीखा है छात्रगण कि साधारण वर्षों के केस में और लीप वर्षों के केस में किस प्रकार से हम सब जो है बहुत ही आसान तरीके से बाय डिवाइडिंग बाय 4 और 400 हम सब बहुत अच्छे से साधारण और लीप वर्ष की पहचान कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कैलेंडर के पहले टॉपिक ईयर का कंसेप्ट समाप्त होता है। अब आइए कुछ दिन के कंसेप्ट आपको देने का प्रयास करते हैं। मजा आ रहा है? वेरी गुड। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी अंतर नहीं होगा। बस अंतर यही होगा कि आप सब संजय सर को लाइव नहीं देख पाएंगे, बस संजय सर को फिजिकली नहीं देख पाएंगे, बाकी सब कुछ वही स्टाइल होगा, वही सब कुछ होगा, वही अंदाजे बयां होगा। बस आप घर बैठे हैं, मैं आपसे दूर हूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट के में छात्रगण अनदर दिन हम सब लेंगे और वो होगा दिन, डे।
अगला कंसेप्ट होगा दिन के रिस्पेक्ट में. याद रखें, किसी भी दिन या तारीख, दैट इज डेट, किसी भी दिन या तारीख में +7, +14, +21, +28 जोड़कर या -7, -14, -21, -28 घटाकर पुनः उसी दिन को प्राप्त किया जा सकता है. पुनः उसी दिन को प्राप्त किया जा सकता है. साधकों, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यू आर एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस कंसेप्ट. किसी भी दिन या तारीख डेट में by adding it is +7, by +14, +21, +28. In the same way, subtracting -7, -14, -28, -20, -21, -28, पुनः उसी दिन को प्राप्त किया जा सकता है. कैसे? Just see one of the example. Suppose कीजिए कि किसी भी महीने के 5 तारीख को रविवार है. 5 तारीख को क्या है? रविवार है. आप इसमें ऐड कर दीजिए +7, 12 को भी आपका क्या होगा? रविवार. 7 और 5 12, 7 और 5 12, यानी कि 12 तारीख को भी आपका क्या हो गया? रविवार. आपको लंबे समय में निकालना है. सपोज कीजिए कि 1 तारीख को शनिवार है. इसमें बस 14 ऐड कीजिए. 14 + 1 कितना हुआ? 15. 15 को भी आपका क्या होगा? रविवार. तो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, +7, +14, +21 और +28, 7, 14, 21 और 28 जोड़ करके किसी भी डेट या किसी भी दिन में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन जोड़ करके पुनः उसी दिन को प्राप्त किया जा सकता है. ये एक बेहद विशेष कंसेप्ट होगा छात्रों, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे. इन द सेम वे एग्जाम्पल लिख लेंगे छात्रों, सारे एग्जाम्पल. इन द सेम वे यदि 12 तारीख को रविवार है, मुझे बैक डेट याद करना है, पीछे का दिन, तो अब इसमें -7 कर दीजिए, तो 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5. तो 5 तारीख को आपका क्या होगा? रविवार. सो वेरी वेरी इजी, यू कैन सी इट्स वेरी इजी. सो 12 तारीख को रविवार है, -7 कर दीजिए, 5 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा. इस तरह से आप चाहे तो -7, चाहे आप -14, चाहे तो आप -21 या चाहे तो आप -28, सब्ट्रैक्ट करके, घटा करके ईजली यू कैन गेट द आंसर. लेट सी अनदर एग्जाम्पल. यदि किसी महीने की 1 तारीख को शनिवार है, ओके? यदि किसी महीने की 1 तारीख को शनिवार है, तो उस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे? यदि किसी महीने की एक तारीख को शनिवार है, तो उस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे? बाय गेटिंग दिस रूल, 1
शनिवार, सैटरडे, सैटरडे प्लस 7 प्लस 14 प्लस 21 20, किसी एक का यूज आप कर लीजिए, मान लीजिए प्लस 7 करते हैं, तो एक के बाद प्लस 7 8 प्लस 7 15 प्लस 7 21 प्लस 7 28, अर्थात 1 2 3 4 5, कितना आसानी से हम सब निकाल सकते हैं ऐसे प्रश्नों को कि यदि किसी महीने की एक तारीख को शनिवार है तो उस महीने में कुल कितने शनिवार होंगे। तो एक तारीख को शनिवार था, सैटरडे था, प्लस 7 कर दिए 8 तारीख को हो गया, फिर इसमें प्लस 7 किए 15 को हो गया, फिर प्लस 7 किए 21, फिर प्लस 7 किए 28, अर्थात 1 2 3 4 5, तो कुल कितने शनिवार होंगे, 5। कुछ है, इट्स अ लॉलीपॉप, इट्स अ लॉलीपॉप और नॉट, या इट्स अ लॉलीपॉप। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। छात्रगण, यहां पर आप दिए गए मंथ आसानी से आप दिन की कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इजी कंसेप्ट। आइए इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आपको लेकर के चलते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। क्वेश्चन, अब यहां पे हम सब पहुंच चुके हैं और आपको सीधे सीधे लिख चलते हैं टाइप नंबर 1। टाइप 1 की टॉपिक आपकी क्या रहेगी, महीने के अंदर, महीने के अंदर दिन ज्ञात करना, महीने के अंदर दिन ज्ञात करना, महीने के अंदर दिन ज्ञात करना, टाइप नंबर 1 हमारी शुरुआत हो रही। छात्रगण, आज का कंसेप्ट से टाइप नंबर 1 आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी माह के, यदि 31 के माह के किसी माह बोलने पे क्या होगा कि आप 30 कंसीडर करेंगे या 31 कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, प्रश्न स्पष्ट लिखते हैं। यदि 31 के माह में, यदि 31 के माह में 3 तारीख को रविवार है, 3 तारीख को रविवार है, यदि 31 के माह में 3 तारीख को रविवार है, तो उस माह के 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। इट्स अ वेरी इजी, 3 तारीख को मेरा रविवार दिया हुआ, हमसे 24 तारीख को पूछ रहा है, एकदम कुछ नहीं करना है, आप अपना 3 लिख लीजिए, 3 को आप देख रहे हैं कि प्रश्न में रविवार है। आप एग्जाम में इतना काम नहीं करेंगे, एग्जाम में ये सब आपको लिखना नहीं, चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं ये सब चीज लिख रहा हूं, एकदम आपका माइंड में सारे कैलकुलेशन आपके माइंड पे चलने हैं। आप देख लीजिए 3 को रविवार है, सर का कंसेप्ट याद कीजिए, सर ने क्या कंसेप्ट आपको दिया है पहले में, आप देखे हैं कि किसी भी दिन में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन जोड़ करके पुनः इसी दिन को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम 3 में कितना जोड़ें कि हम 24 तक पहुंच जाएं, तो आप देखिएगा कि 21 दिन जोड़ेंगे तो मुझे 24 तारीख प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं, प्लस 21 कर लीजिए, तारीख क्या आ गया आपका 21 और 3, कितना तारीख आ गया 24, 24 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। कोई दिक्कत, इजी, मैंने कई बार आपको कहा +7 +14 +21 +28 जोड़ करके आप बहुत बहुत आसान तरीके से ऐसे डेटों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे डेट आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि बहुत इजी तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं छात्र के, तो वो कंसेप्ट एकदम याद रखिएगा, +7 +14 +21 और +28 वाला, उससे क्या होगा आपका कि जो भी डेट दिया गया है उसमें इसे जोड़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। एक बैक वाला ले लेते हैं। यदि
किसी माह के, यदि किसी माह के 25 तारीख को गुरुवार है, यदि किसी माह के 25 तारीख को गुरुवार है तो उस माह के 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? हाँ, यदि किसी माह के 25 तारीख को गुरुवार है तो उस माह के 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? 25 तारीख को गुरुवार है, हमको पूछा जा रहा है 3 तारीख को, यानी बैक चलना है। ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन सर माइनस पे जाएगा, बैक डेट निकालने के लिए बोल रहा है। सेम कहां निकालना, वहां +7 +14 +21 +28 कर रहे थे, यहां पे क्या करना होगा, -7 -14 -28 -21 एंड -28। आप बताइए 25 तारीख से हमको 3 तारीख पहुंचने के लिए क्या हम माइनस करें, +7 +14 +21 कमान जल्दी 21, वेरी गुड। 25 में अगर हम 21 माइनस कर दें तो मेरा कितना तारीख आएगा, 4 तारीख। तो ये 4 तारीख को मेरा कौन सा दिन निकलेगा, गुरुवार। 4 तारीख को मेरा कौन सा दिन निकला, गुरुवार। क्योंकि आपने जस्ट अभी पढ़ा है पीछे एक कंसेप्ट में कि किसी भी दिन या तिथि में +7 या -7, -14, -21, -28 घटा करके पुनः उसी दिन को प्राप्त किया जा सकता है। तो 25 में से 21 घटाया कितना आ गया, 4। तो 4 तारीख को आपको क्या हो गया, गुरुवार। लेकिन प्रश्न में 3 तारीख को पूछ रहा है, तो जब 4 को गुरुवार है तो 3 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो 3 तारीख को आपका क्या आंसर निकल गया, बुधवार। ये आपका पाठ रहा छात्रगण, 3 तारीख को आपका बुधवार निकल गया, और इस प्रकार से आप महीने भर के अंदर दिन ज्ञात कर पाने में कामयाब हो गए। और इससे कई रिलेटेड प्रश्न जो है हम सब और भी आपको डाल दिया देंगे, टेस्ट क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हम डाल देंगे। कम से कम 8-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये चैप्टर पे आपकी क्या हो जाएगी, एकदम से कमांड हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन और आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, अब इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप और जल्दी इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना, और थोड़ा सा जल्दी इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो और बहुत अच्छा से आप इसको हल कर पाने में कामयाब हो जाएंगे। एक आध एग्जाम्पल्स इसमें और एक आध लिख लेते हैं, चलिए। यदि 26 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है ना, 26 तारीख को आपका क्या है, शुक्रवार है। एकदम फटाफट, अभी पेन नहीं पकड़ेंगे हम सब, तो आपसे पूछ रहा है 2 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हम सब पेन नहीं पकड़ेंगे, अब लीजिए पेन को, अब एकदम यहां पे रख देना है। 26 तारीख को आपका क्या है, शुक्रवार है, 2 तारीख को पूछ रहा है, आगे बढ़ेंगे या पीछे, पीछे, दैट्स वेरी गुड। कितना माइनस करेंगे जिससे कि हम लोग 2 तक पहुंच जाएं, आपको माइनस कितना करना याद है, चाहे 7 चाहे 14 चाहे 21 चाहे कितना 28, 28 माइनस करेंगे तो 26 में 28 जाएगा नहीं, इसलिए 21 माइनस करना पड़ेगा। तो 26 में से 21 घटाएंगे, कितना बचा, 5 तारीख। तो 5 तारीख को आपको कौन सा दिन निकला, शुक्रवार, वेरी गुड। आपने कंसेप्ट पढ़ा है, 5 तारीख को आपका दिन निकल गया शुक्रवार। तो जब 5 को आपका शुक्रवार हुआ तो 4 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार। 3 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। 2 को आपका कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो 2 तारीख का डेट निकल गया मंगलवार, 2 तारीख का डेट निकल गया आपका मंगलवार। तो छात्रगण महीने भर के अंदर दिन ज्ञात करना आपने सीख लिया है, और ना सिर्फ आपने महीने भर के अंदर दिन ज्ञात करना सीखा बल्कि पूरी परीक्षा के लिए आपका एक प्रश्न का एकदम अपने पॉकेट में डाल लीजिए, एक नंबर आपका क्लियर हो गया। एसएससी और रेलवे के, खासकर ऐसे बच्चे जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी विद्यार्थियों, ध्यान रखिए आपका एक नंबर क्वेश्चन एकदम पॉकेट के अंदर चल गया। चाहे वो आप सिविल सर्विसेज के रूप में सीसैट की तैयारी कर रहे हों, वहाँ भी कैलेंडर से कई प्रश्न होते हैं। आज की हमारी टाइप 1 भी यहाँ पे समाप्त होती है, कुछ होमवर्क दे देते हैं, घर में इसका प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा, है ना, होमवर्क।
find the given year. Find the given year is whether ordinary year or leap year. 1800, 1900, 1902, 2001, 2019, 2020. ये फाइंड आउट कर लीजिएगा कि दिया गया साल जो है मेरा ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है. एक ये क्वेश्चन बना लीजिएगा नंबर वन. नंबर दो बना लीजिएगा कि 26 January मंडे, 5 January को कौन सा डेट होगा, 26 January को मंडे है तो 5 January को कौन सा डेट होगा, 11 July को संडे है तो 31 July को कौन सा दिन होगा, उसके बाद 25 अगस्त को रविवार है तो 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा. तो क्या होगा कि ये जो आज का जो कंसेप्ट हम सबों ने दिया था, इतने से क्वेश्चन बनाने के बाद आपका आज का कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. अच्छी तरह से इसको राइट डाउन कर लीजिए. मैं अभी बोर्ड में नहीं मिटाता हूँ, थोड़ी देर में रहने देता हूँ. आप अच्छी तरह से कॉपी में एकदम नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और सारे तमाम क्वेश्चन ये हल कर लीजिएगा. और मेरा पर्सनल नंबर आप सबों को मालूम है, मेरे पर्सनल नंबर पे आपको कोई भी कमेंट आप मेरे पर्सनल नंबर पे कर देंगे. कोई क्वेश्चन एकदम नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना, नहीं बनेगा, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे. ये सोचना नहीं कि सर एक बार आप पढ़ाए लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा है, सर आप रोने लगे, आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि सर मेरे से कंपटीशन नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं. हमें मेहनत करना है. छात्रगण हमेशा याद रखिए, मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है. डर के आगे जीत है, ये हमेशा याद रखिए. जो डरा नहीं वो जीता नहीं, इस बात का मूल मंत्र याद रखिए. इसलिए आपको बिल्कुल नहीं डरना है और बहुत ही प्यार से ऐसे कंसेप्टों को हम सब आगे बढ़ाते हुए चलेंगे. तो स्पीड विथ एक्यूरेसी एंड द कंसेप्ट, ये दोनों साथ ही साथ हम सब चलेंगे. अभी आप स्पीड के साथ ना जाइए, एक्यूरेसी के साथ चलिए. स्पीड हम लोग बाद में बढ़ाएंगे, पहले अपना कंसेप्ट डेवलप कर लीजिए अच्छी तरह से. एक एक चैप्टर का कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद आप ऐसे प्रश्नों को बहुत बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाने में कामयाब होंगे. एक और कंसेप्ट दे देते हैं सो दैट कि जब कल की क्लास में हम सब मुलाकात करेंगे तो हम सबों को और ये आसान हो जाएगा. छात्रगण आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि अब हम सब क्या करेंगे कि एक छोटा सा केवल डे का कंसेप्ट ले लेंगे और उसके बाद आज की सॉल्व कर देंगे. उम्मीद करते हैं कि जितने सारे होमवर्क और आपको जो कंसेप्ट दिया गया था उसे आप बहुत बहुत अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे और सारे प्रश्न का आप हल कर लेंगे. आज डे की बात कर लेंगे. डे के लिए आपको, डे में आपको 2 जगह कंफ्यूजन है. डे कितने होते हैं आप जल्दी जल्दी बताइए. चलिए कमान फटाक से, 28, वेरी गुड. 29, बोथ इन द फरवरी, बोथ इन द मंथ ऑफ फरवरी. 29 कब, अभी जस्ट कंसेप्ट दिए हैं, लीप ईयर में. 28 कब, ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साधारण ईयर. और 30 और कितना, 31. जनरली हम लोग दिन ज्ञात करने के लिए पहाड़ बनाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च. लेकिन गलती से काउंट करते करते अगर दोनों बार हाथ इसमें रख गया तो 30 वाला महीना 31 का हो जाएगा और 31 वाला महीना 30 का हो जाएगा. सो अभी हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें याद कर लेंगे सो दैट कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें जो याद हो जाएगा. बस एक जॉनी जॉनी यस पापा करके एक छोटा सा पोएम है, उसको खाली याद कर लेंगे. 30 days of September, अप्रैल, जून एंड नवंबर. बस हो गया. सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर 30 दिनों का होता है. बाकी जितने सारे मंथ में दिन बचेंगे वो सभी 31 दिनों का होगा. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा छोटा सा.
30 डेज ऑफ सितंबर, अप्रैल जून एंड नवंबर, एक लिरिकल वे में कविता वे में याद कर लीजिए, 30 डेज ऑफ सितंबर, अप्रैल जून एंड नवंबर। इससे आपको क्या होगा कि किसी भी महीने में, अब आपसे हम फटाक से पूछेंगे, बताइए अक्टूबर कितना दिन का होगा, कमान जल्दी, आप तुरंत बोलिएगा सर 31 का होगा। क्यों 31 का होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में अक्टूबर नहीं आ रहा है, ये 30 का था, ये कितना का हो जाएगा अक्टूबर का। केवल इतना याद रखना है कि फरवरी और जो होगा लीप ईयर के केस में ये 29 डेज का होगा, और जबकि साधारण वर्षों के केस में ये कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का होगा। उम्मीद करते हैं छात्रगण की आज की कक्षाओं में जब हम सबों ने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के रिस्पेक्ट में हम सबों ने शुरू किया था, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि ऑनलाइन क्लास में भी आपको उतना ही मजा आया होगा जितना संजय सर की ऑफलाइन क्लास में आप सबों को मजा आता है। उम्मीद करते हैं कि हम सब और आपको बेस्ट देंगे, और जितना सारा होमवर्क दिए थे वो सारा कंप्लीट करिएगा। जो कुछ भी आपका इश्यूज होगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप सबों के पास में है, उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम सब तुरंत आपको जवाब देंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कल भी पुनः मिलेंगे। इस चलते चलते आज की क्लास में बस इतना ही कहना चाहते हैं छात्रगण कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर मत बैठ वो सफर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रगण, उम्मीद करते हैं कि आप सबों ने ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर मजा लिया होगा। हम सब इसी एनर्जी के साथ कल पुनः मिलेंगे। खुदा हाफिज, सब बखैर, बाय बाय।